दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे Realme Narzo 70 Pro 5G का Realme 12 Plus 5G से और आपको बताएंगे कि इन दोनों फ़ोन्स में क्या क्या डिफरेंस है और इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन किसके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं पूरे डिटेल्स में इन दोनों फ़ोन्स के बारे में। सबसे पहले दोनों फ़ोन्स के लुक का बात करें तो देखिए Realme Narzo 70 Pro 5G दिखने में कुछ इस तरीके का है जैसा कि आपको दिख रहा होगा और इसके बैक साइड पे डुअल टोन में ग्लास का बैक दिया गया है जहां की टॉप साइड ग्लोसी फिनिश है और बॉटम साइड मैट फिनिश है और एक बड़े से सर्कुलर कटआउट में 3 कैमरा का सेटअप दिया गया है और 1 LED फ्लैश दिया गया है। फ़ोन का फ्रेम प्लास्टिक का ही है, भले ही दिखने में ये मेटल जैसा लगता हो लेकिन मेटल का है नहीं। वहीं Realme 12 Plus 5G दिखने में कुछ इस तरीके का है जैसा कि आपको दिख रहा होगा और इसमें वीगन लेदर का बैक दिया गया है और एक बड़े से सर्कुलर कटआउट में 3 कैमरा का सेटअप दिया गया और 1 LED फ्लैश दिया गया है। इसका भी बैक लुक दिखने में बढ़िया है और इसका भी फ्रेम प्लास्टिक का ही दिया गया है। वहीं दोनों फोन फ्रंट साइड से सेम ही है, दोनों में सेंटर पंचोल वाला फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है जहां की साइड का बेज और चिन्ह ठीक ठाक है। फ्रंट साइड से दोनों फोन सेम है, फ्रंट साइड पर कोई डिफरेंस नहीं है और बैक साइड से Realme Narzo 70 Pro 5G दिखने में थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें डुअल टोन में ग्लास का बैक दिया गया है। वैसे हो सके किसी को Realme 12 Plus 5G का बैक लुक ज्यादा बढ़िया लगा वीगन लेदर की वजह से, लेकिन मुझे Realme Narzo 70 Pro का बैक लुक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। वहीं दोनों फोन्स के डिस्प्ले का बात करें तो दोनों में 6.6 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि सेंटर पंचोर वाला फ्लैट डिस्प्ले है। दोनों में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, दोनों में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है और दोनों में पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक का दिया गया है। तो डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है और जब आप इन दोनों फोन्स को चलाएंगे तो चलाने में भी आपको स्मूथ लगेगा और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में भी दोनों फोन सेम ही होगा। जब आप कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो इन दोनों फोन्स में प्ले करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा और सेम ही मिलेगा, डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। वहीं दोनों फोन्स के प्रोसेसर का बात करें तो दोनों में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है तो थोड़ा बैटरी एफिशिएंट है और दोनों का एंटीट्यू स्कोर 6 लाख तक का आता है। तो इससे देखिए क्लियर है कि दोनों फोन परफॉर्मेंस पे बढ़िया होगा और एक गेमिंग करने वाले यूजर के लिए दोनों फोन्स बढ़िया होने वाला है और एक नॉर्मल यूजर के लिए भी दोनों फोन्स बढ़िया होगा। प्रोसेसर में भी दोनों फोन सेम है तो परफॉर्मेंस भी दोनों में एक ही जैसा मिलने वाला है, परफॉर्मेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वहीं दोनों के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें, दोनों में LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। तो जब आप इन दोनों फोन्स में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करेंगे या बैकग्राउंड में ऐप को रन कराएंगे तो ये सब चीज़ें बढ़िया से होने वाला है। स्टोरेज और रैम टाइप में भी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी दोनों फोन सेम ही है। वहीं दोनों फोन्स के कैमरा का बात करें तो Realme 12 Plus 5G में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है जहां की OIS भी दिया गया है और इसमें सोनी का लाइटिया 600 वाला सेंसर दिया गया है, 8K अल्ट्रा वाइड दिया गया और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है, सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं Realme Narzo 70 Pro 5G में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है जहाँ की OIS भी दिया गया है और इसमें सोनी का IMX890 का सेंसर दिया गया है, 8K अल्ट्रा वाइड दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा दिया गया, सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और आपको बताते चलें कि जो सेंसर इस फोन के कैमरा में दिया गया है वही सेंसर Realme 12 Pro Plus 5G में भी दिया गया है। तो जब आप इन दोनों फोन से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा क्वालिटी Realme Narzo 70 Pro 5G निकाल के देगा क्योंकि इसका मेन सेंसर ज्यादा बढ़िया है और अल्ट्रा वाइड मैक्रो और सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही होगा, बस डिफरेंस होगा तो वो मेन सेंसर का होगा। कुल मिला के देखें तो कैमरा में Realme Narzo 70 Pro ज्यादा बढ़िया होगा और 20,000 से कम के प्राइस पे कैमरा में ये फोन बेस्ट होने वाला है। वहीं बैटरी का बात करें तो बैटरी में भी दोनों फोन सेम ही है, दोनों में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जहां 67W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी दिया गया है तो बैटरी में दोनों फोन्स बढ़िया है। वहीं दोनों फोन्स में 3.5 mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है, दोनों में आप मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे, दोनों में हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है, दोनों में स्टूडियो स्पीकर भी दिया गया है तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी दोनों फोन बढ़िया है, दोनों में IP54 का रेटिंग भी दिया गया है तो थोड़ा बहुत बारिश और डस्ट को दोनों फोन झेल सकता है और दोनों में वाटर टच फीचर भी दिया गया है। तो जब आप गीला हाथ यूज करेंगे फोन को या फिर बारिश का छींटा पड़ने के बाद आप यूज करेंगे फोन को तो उस कंडीशन में भी डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा। और दोस्तों Realme Narzo 70 Pro 5G में एयर जेस्चर फीचर दिया गया है जबकि Realme 12 Plus 5G में एयर जेस्चर फीचर नहीं दिया गया है। ये फीचर कुछ इस तरीके से काम करेगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप फोन को बिना टच किए हुए यूज कर सकते हैं, इसमें 10 जेस्चर फीचर मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रोलिंग कर सकते हैं या फिर शॉर्ट्स देखते टाइम आप स्वाइप अप कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब शॉर्ट्स में करें या फिर इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में करें, दोनों जगह आप स्वाइप अप कर सकते हैं और ये एक यूजफुल फीचर है और ये Realme Narzo 70 Pro में दिया गया है। और दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ
साथ आया है और दोनों में 2 साल का मेजर अपडेट मिलेगा। तो दोनों फोन्स एंड्रॉयड 16 तक जाने वाला है। वहीं दोनों फोन्स के प्राइस का बात करें तो दोनों फोन्स का प्राइस इंडियन मार्केट में 20,000 से कम है, 18,000-19,000 के प्राइस पे दोनों फोन्स मिल जाएगा। दोस्तों यही सब डिफरेंस था इन दोनों फोन्स में जो कि आपको इस वीडियो में बताए हैं। देखिए ये सब डिफरेंस तो क्लियर है कि ज़्यादातर चीज़ों में दोनों फोन सेम ही है और कुछ कुछ चीज़ों में Realme Narzo 70 Pro 5G थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। अब चलिए बात करते हैं कि दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन किसके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। तो देखिए जिन लोगों को फ़ोन का लुक बहुत अच्छा चाहिए, फ़ोन कैमरा में बहुत बढ़िया हो और एयर जेस्चर जैसा फीचर मिले तो उन लोगों के लिए Realme Narzo 70 Pro 5G ज़्यादा बढ़िया होगा। और जिन लोगों को फ़ोन में वीगन लेदर का बैग चाहिए उन लोगों के लिए Realme 12 Plus 5G ज़्यादा बढ़िया होगा। और अपना बात करें कि अगर मुझे इन दोनों फोन्स में से किसी एक फ़ोन को सिलेक्ट करना होता तो मैं Realme Narzo 70 Pro 5G के साथ जाता, क्योंकि ये फ़ोन मुझे लुक में भी बढ़िया लगा है और कैमरा में भी ज़्यादा बढ़िया लगा है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे जो सही लगा मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता दिया हूँ। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।